लग्जरी इज द वर्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो एंड प्रीमियम कलेक्शन के शूज आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी और आपको बोलता थोड़ा सा आपको एक अच्छी चीज देखने को मिलने वाली। आज जिस ब्रांड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है लिथार्टो शूज। अब लिथार्टो के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये एक इंडियन इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि यू नो अपनी मेजरली सेलिंग यूएस में करता था, अब इन्होंने शिफ्ट किया है इंडियन मार्केट की तरफ एंड आपको इनके प्रीमियम लग्जरी हैंड पेंटेड एंड हैंड क्राफ्टेड शूज देखने को मिलेंगे इंडियन प्राइस पे। एंड आपको मैं वीडियो में बताऊंगा आगे कि आपको क्या क्या चीज़ें और देखने को मिलने वाली, क्योंकि मैं आपके थोड़े से पैसे और बचाने वाला हूं अपार्ट फ्रॉम द लग्जरी सेगमेंट दैट यू आर अबाउट टू वॉच। जैसे कि मैंने बताया हैंड पेंटेड एंड हैंड क्राफ्टेड प्रीमियम लग्जरी शूज में फर्स्ट ब्रांड है एंड ये जो शूज है ना बेसिकली मैं थोड़े थोड़े इनको कर लिया है, देख लिया है कि किस तरीके के, एंड मुझे तो भाई अलग ही लेवल का प्यार हो गया इनसे। ये वाले आप वेडिंग्स पे पहन सकते हो अपने आउटफिट्स के साथ, इसको अच्छे से रॉक कर सकते हो फॉर्मल वेयर में, डेटिंग में, या फिर अगर आप पार्टी वेयर में लेके जा रहे हो इन वाले शूज को, यू विल रॉक द पार्टी। लेट मी शो यू द शूज एंड लेट्स स्टार्ट द हॉल ऑफ द प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट शूज। सबसे पहला शूज जो आपको ऑब्वियसली देखने को मिलने वाला है वो ऐसे तरीके का मिलेगा जो कि ऐसे बॉक्स में आप जब ऑर्डर करोगे ना तो आपके पास आने वाला है। लेट्स ओपन द बॉक्स एंड सी इसके अंदर क्या है। सबसे पहले तो आपको एक शू हॉर्न देखने को मिलता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है लिथार्टो की तरफ से। यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, ऐसा चमकीला सा छोटा सा प्यारा सा शू हॉर्न। एंड लेट्स ओपन द बॉक्स ऑफ दिस शू। ये देखो काले से कपड़े में आता है बिल्कुल मजेदार लिथार्टो की, यहाँ पर भी आपको ब्रांडिंग मिलती है। एंड लेट्स ओपन द शू। मैं वैसे क्वालिटी चेक ऑलरेडी कर चुका हूँ और मैं देख चुका हूँ तो आपको दिखाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि द शू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द फर्स्ट वन एंड ये है एक चका बूट। जस्ट लुक एट इट, ये इस तरीके का दिखता है। एंड लग्जरी सेगमेंट की अगर बात करें तो उसमें ये जो फील्स है ना वो प्रॉपरली ये दे रहा है। अगर शू की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो लेदर ग्रेन देखने को मिल रहा है ये फुल ग्रेन लेदर है, ये वो लेदर नहीं है जो आपको यूजुअली शूज में देखने को मिलता है जो 2-3 हज़ार के आते हैं। 2-3 हज़ार के वो लग्जरी बोल के बेचते हैं बट वो एक्चुअली में लग्जरी नहीं होते, मुझसे पूछ लो, क्योंकि वो लेदर में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। खैर वो मार्केट की अलग अलग चीज़ें जिस हिसाब से जो बेचना चाहता है, बट यस इनमें आपको फुल ग्रेन लेदर देखने को मिलेगा, हैंड पेंटेड चीज़ है। एंड साथ साथ जब लेसेस की बात करें तो यहाँ पर आपको ना मेटल एगलेट शू लेसेस मिलते हैं जो कि प्रीमियम और एक लग्जरी फील्स तो आपको देते ही है। साथ ही साथ जो शू की क्वालिटी है वो खुद से ही बता रही है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक बार इस चका बूट की फीलिंग देखो आप कितने पैसे दे सकते हो इसके लिए। मैं तो भाई कितने मुझसे मांग लो मैं दे दूंगा। एंड अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए देन यू कैन यूज दिस कोड विच इज कैप्स में लक्ष्य, अगर आप यूज करोगे तो आपको 1200 रुपीज का और डिस्काउंट मिलेगा परचेज से। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। अगर आपके घर में कोई भी शादी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, वैसे ये वाले शादी के लिए नहीं है पर्टिकुलरली, ये वाले थोड़े से आप कैजुअली भी वेयर कर सकते हो। एंड यस दीज आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शूज, और जो चका बूट्स हैं बाहर बहुत ज्यादा चलते हैं, इंडिया में काफी कम लोग इसको पहनते हैं, लेकिन जिसका टेस्ट है ना, जिसको बहुत ज्यादा पसंद है वो लोग इसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पर और बोलना चाहता हूँ, ये वाली वीडियो पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। हाँ जब तक आप अंबानी के बेटे नहीं हो तब तक आप इस वीडियो को देख सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इतना पैसा सेव्ड है कि आप एक लग्जरी शू में इन्वेस्ट कर सकते हो तभी इसमें करना, वरना जितने भी मेरी ऑडियंस है जो कि थोड़ी सी मैच्योर है, थोड़ा सा खुद यू नो जॉब प्रोफाइल में, तब आप भाई बेझिझक इसकी तरफ जाओ, क्योंकि आई डोंट थिंक ये वाले शू आपके पूरी लाइफ लॉन्ग यू नो खराब होने वाले, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी आपको प्रॉपर मिलेगी। इसमें आपको फुल लेदर लाइनिंग और लेदर इंसोल मिलती है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग चीज है। एंड आई रियली लव द शू, जस्ट लुक एट इट। एंड चका बूट्स आर रियली रियली इन फैशन एंड इन ट्रेंड, बाहर इसको लोग बहुत ज्यादा पहनते हैं। द नेक्स्ट शू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अगेन रियली क्लासी, इसका जो भैया डिजाइन है वो इतना ज्यादा अमेजिंग है। अगेन शू के ऊपर आपको इस तरीके का मेटल एगलेट टिप्स मिलेगी जो कि मैंने आपको बताया जो लग्जरी फील्स प्रोवाइड करती है। एंड द शू विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस वन विंग टिप ब्रोग ऑक्सफोर्ड शू। इसकी जरा एक बार लुक देखो, ये जो लाइट मटेरियल के ऊपर शाइन देखो यार आप लेदर के ऊपर कितनी प्यारी दे रखी है, क्योंकि ये हैंडक्राफ्टेड शूज हैं। हैंडक्राफ्टेड का सिंपल सा मतलब है कि इन्होंने इस पे टाइम दिया है, प्रॉपरली बनाया है, मशीन से सिर्फ एकदम पेस्ट पूछ करके ऐसे आगे आपको नहीं दे दिए। हाँ मशीन का कुछ कुछ काम हुआ होगा बट मेनली हैंड से इसको पूरा सीला गया है, चीजें करी गई हैं जो कि बहुत ज्यादा एक अलग चीज आ जाती है। इसकी जो लेदर सोल है वो अर्जेंटीनियन लेदर से बनी है एंड साथ ही साथ आपको ये जो ग्रिप प्रोवाइड हो रही है ना ये भी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, ताकि आप स्लिपरी चीजों पर ज्यादा ऐसा स्लिप ना करो। ज्यादातर फॉर्मल शूज में ना नीचे बिल्कुल एक प्लेन ऐसे सोल दे देते हैं जो काफी ज्यादा स्लिप करती है एंड प्रोबेबली आपके लिए वो इतनी अच्छी नहीं होगी जितना अच्छा ये एक प्रीमियम शू आपको देखने को मिलेगा। लुक एट द डिजाइनिंग ब्रोग्स में, यार देखो सबसे ज्यादा जो पैटर्न्स होता है वो ब्रोग्स में यहाँ चलता है कि इतने ज्यादा आगे तक ब्रोग्स दे देते हैं उसके बाद खत्म, लेकिन यहाँ पर आपको हल्का सा ऐसा स्वेडिश वेलवेटी टच देखने को मिलेगा एंड साथ ही साथ जो ब्रोग्स की फिनिशिंग है वो भी काफी अमेजिंग है। आई रियली लव द शू जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि ये थोड़ा सा हैवी आपको लग सकता है बट प्रीमियम चीजों के लिए आपको भैया क्वालिटी वाली चीज अगर चाहिए
चाहिए ना, तो आपको उस वाली चीज को देखना पड़ेगा कि कंफर्ट मिल रहा है, एक बनावट अच्छी मिल रही है और हैंडक्राफ्टेड चीज आपको हाथ में मिल रही है। कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो जितने भी लिथाटो के शूज हैं ये ब्लेक स्टिच्ड शूज होते हैं। ब्लेक स्टिच का मतलब ये होता है कि जो बाहर की सोल है वो अंदर की सोल से स्टिच करी गई है, जिसकी वजह से आपको एक प्रॉपर ड्यूरेबिलिटी मिलती है एंड साथ ही साथ शू की जो लाइफ है वो ज्यादा लॉन्ग तक चल सकती है। जस्ट लुक एट इट। एंड अगेन इसके ऊपर भी अगर आप यूज करोगे कोड लक्ष्य विच इज इन कैप्स तो आपको एक अच्छा ऑफर मिलेगा। इनसोल की बात करें तो यहां पर एक जादू आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इनसोल में भी आपको लेदर की फिनिशिंग देखने को मिलती है जो कि सॉफ्ट है। जब आप इसमें पैर रखोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि आपने वो 400-500 रुपए वाला जूता पहना हुआ है और उसमें आपको ऐसा कुटा कुटा सा लग रहा है, इसमें आपको ऐसा लगेगा गद्दे पे आप चल रहे हो। और कस्टम फिट है तो सबसे अच्छी बात यह आ जाती है कि ये जूता बना ही सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा, विच इज अमेजिंग। एंड यू शुड ऑब्वियसली इन्वेस्ट इन वन ऑफ द शूज, बिकॉज अगर आप एक में इन्वेस्ट करोगे आपके पास वो रहेगा तो वो सालों साल तक चलेगा। नेक्स्ट शू जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये पूरे लॉट में मेरा सबसे ज्यादा बढ़िया शू है एंड मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट ये इसलिए लगा क्योंकि फॉर्मल्स की जब बात आती है ना मुझे लुक वाइज बहुत ज्यादा उसमें चीजें देखनी होती है एंड मुझे ज्यादातर सिंपल पैटर्न पसंद है। द शू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द कैप्टो ऑक्सफोर्ड रेड एंड ब्लैक फिनिश। अगर मैं इसकी पर्टिकुलरली बात करूं तो इसमें आपको हल्का हल्का पैटर्न देखने के साथ साथ ना प्रॉपर एक फिनिशिंग देखने को मिलती है। ये शू ना इस वाली लाइट में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चमक रहा है, तो आप जो बीरोज देख रहे हो इसमें आपको प्रॉपरली पता चलेगा कि क्या है। अगेन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आपको यहां पर भी एक इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि एंटी स्केड है। तो आप ज्यादा ऐसा सोचना मत कि अगर आप ऐसे शूज अगर ऐसे वाले फ्लोर पर पहन रहे हो जो कि ऑफिस के फ्लोर होते हैं तो आप फिसलने वाले हो, आपको एक प्रॉपर बॉसी लुक देगा ये। एंड इफ यू वॉन्ट टू चेक दिस आउट अगेन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, लक्ष्य कोड यूज करके 1200 तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अंदर की सोल की बात करें सेम आपको सोल देखने को मिलती है जो कि लेदर इन सोल है एंड सॉफ्ट कुशनिंग वाली चीज है, गद्दे पे पैर रख के चलने वाला सीन यहाँ पे होने वाला है प्रॉपर। तो मेरे किसी दोस्त की बहन की ना अभी शादी होने वाली है एंड वहां पे मैंने जाना है तो मैं पर्टिकुलरली ये वाला शू वहां पर रॉक करने वाला हूँ अपने बाकी सूट्स के साथ। एंड यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी वेडिंग प्लान कर रहे हो, खुद की शादी भी है और अगर आप टक्सीडो वगैरह पहनने की सोच रहे हो, नॉट इन द वेडिंग या फिर प्रॉपरली किसी भी फंक्शन में टक्सीडो अगर आप पहनना चाह रहे हो, उसके साथ ये वाला शू बहुत अच्छे से जाने वाला है। एंड आई एम श्योर कि आपको इतने ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं कि इसकी कोई हद नहीं आने वाली। शू की क्वालिटी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ एंड आई थिंक कि इसकी जो फिनिशिंग है ना वो आपको उस वाले शू में नहीं देखने को मिलेगी जो आपको यूजुअली रेडीमेड मिलते हैं, क्योंकि कस्टम मेड हैंडमेड का भैया स्वाद ही अलग है। अगेन लेसेस में आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि मेटल एगलेट है जो कि प्रीमियम एक लुक दे रहे हैं, इन सब में मेरे ख्याल से कॉमन है, तो यस यू कैन गो फॉर इट विदाउट एनी डाउट्स। एंड साथ ही साथ जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ द शू, आई एम इन लव विद दिस यार, आई एम इन लव। लास्ट शू जो मेरे पास है वो मैंने इसलिए बचा के रखा है एंड में क्योंकि वो ज्यादातर लोगों को पसंद आने वाला है एंड ज्यादातर लोग शायद उसको ही क्लिक करके आए हैं। द शू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ चेल्सी बूट विच इज राइट हेयर। यहाँ पर आपको स्नेक पैटर्न प्रिंट देखने को मिलेगा एंड फुल ग्रेन लेदर से बना हुआ ये वाला शू, एक इटालियन जो इटालियन चीजें होती है, इटालियन फैब्रिक भी आपने सुना होगा, इटली के हैंडमेड शूज भी आपने सुने होंगे, सबसे ज्यादा वहाँ की जो फैशन आइटम्स है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन ये उसको भी कहीं ना कहीं बीट कर देता है जस्ट बिकॉज इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा सुपीरियर है, बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है जो कि इसकी टो में है, एक स्टील की ऐसी प्लेट छोटी सी जो कि अगर आप चलोगे तो आवाज भी करेगी, साथ साथ आपकी टो की प्रोटेक्शन के लिए काफी ज्यादा एक अच्छी चीज है। और अगर यहाँ की बात करें तो इसकी जो डिजाइनिंग है ऊपर से वो काफी ज्यादा सुप्रीम क्वालिटी की हुई गई है, विच स्पीक्स अबाउट द कारीगरी, विच स्पीक्स अबाउट द हैंडमेड प्रोडक्ट। एंड उस बंदे ने जिसने इसकी कारीगरी करी होगी अच्छे से टाइम लेके दबा के इसको भैया बनाया है, और मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छी बात है क्योंकि ज्यादातर शूज जो बनाते हैं वो बस मास प्रोडक्शन के लिए बनाते हैं और लोग बस खरीदते रहते हैं जस्ट बिकॉज वो सस्ते होते हैं, लेकिन जब आप एक बार इसमें लग्जरी में इन्वेस्ट करोगे आपको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में। चेल्सी बूट्स कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं एंड आई रियली लव देम जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि ये स्टाइलिश देखने के साथ साथ ना एक थोड़ी सी क्लास अपार्ट होते हैं। सब ज्यादातर जब फैमिली फंक्शंस में या फिर किसी भी पार्टी में नॉर्मल शूज पहन रहे हैं तब आप अगर इनको पहन के जाओगे यू कैन रॉक द पार्टी विदाउट एनी डाउट। मुझे लगता है कि ये वाला जो शू है पर्टिकुलरली उसी चीज के लिए बना हुआ है, खासकर कि इसकी जो पूरी लुक है ना वो काफी ज्यादा अपील करेगी आपकी ओवरऑल आउटफिट को। पीछे आपको इस तरीके का लूप मिलता है ताकि आप आराम से शू को पहन पाओ एंड साथ ही साथ आपको शू हॉर्न तो मिल ही रहा है तो आपको पहनने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्वालिटी ऑफ दिस इज ऑल्सो नाइस एंड जो स्नेक प्रिंट है काफी ज्यादा अमेजिंग है। इनके पास इसके साथ साथ और भी काफी सारे शूज हैं जो पैटर्न्स में हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो इनकी वेबसाइट से एंड आई एम रियली मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ ये पहली बार मैंने किसी ब्रांड के बारे में ऐसा नहीं बोला, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जितने भी आप शूज मंगवाओ डज नॉट मैटर, आपको उसकी केयर करनी भी आनी चाहिए। एंड जब वही लेदर की बात आती है तो लेदर की थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर आपको बच्चों की तरफ रखना पड़ेगा। आप इतनी महंगी चीज में इन्वेस्ट करोगे तो उसकी जैसे जैसे आप सर्विस करोगे, फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ी लेते हैं
भाई 20-40-50 लाख की उसके ऊपर सर्विस करवाते हैं, तो आपको इनको थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये नहीं कि खरीद के बस टैग दिए अपनी शू रैक में, उसके ऊपर और जूते पड़े हुए हैं, ऐसा मत करना भाई। बेचारे बड़े अच्छे तरीके से भरे, बड़ी मेहनत से बनते हैं, और इनकी जो चीज होती है ना वो खराब नहीं होनी चाहिए। सो दिस वॉज द वीडियो ऑन द प्रीमियम शूज दैट यू कैन गेट ऑनलाइन। ये वाले ब्रांड्स मैंने आज तक कवर नहीं करे, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे कि कुछ प्रीमियम शूज दिखाओ, हमारी रेंज ज्यादा है, हमें बजट में नहीं देखना, तो मैंने उनके लिए स्पेसिफिकली ये वाली वीडियो बनाई है। अगर आपकी रेंज कम है तो आप मेरे और भी हॉल्स देख सकते हो जो कि इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड वहां पर आपको बहुत सारी रेंज देखने को मिल जाएगी। बट दीज शूज आर क्लास अपार्ट। अगेन यूज कोड लक्ष्य एंड आपको मिलेगा 1200 रुपए का डिस्काउंट। तो इसी के साथ आपकी विदा लेता हूँ, एक और हॉल में आप लोगों के साथ मिलूंगा या प्रॉब्ली व्लॉग, क्योंकि अभी शायद जो शादी होने वाली है उसमें बड़े मजे आने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड फटाफट 1 लाख का जो हमारा माइलस्टोन है उसे कंप्लीट करने में हेल्प करो। आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।